हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा मल्टी कलर की डोरी बनाना प्लस में और डोरी वाली पाइपिंग को बनाना कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दोस्तों 11 कलर हैं। आप चाहे तो कलर और भी ले सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर आप किस तरीके से डोरी पलट सकते हैं और पाइपिंग बना सकते हैं इसके अंदर बहुत ही फिनिशिंग के साथ। दोस्तों, ये बचे हुए कपड़े भी हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए टुकड़ा, ये हमारे गले के बीच का टुकड़ा है, ठीक है। ये हमारा बचा हुआ जो है बिल्कुल बेकार कपड़े जो होते हैं ना, उसमें से आप इसमें से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको किस तरीके से क्या करना है। आपको अपना गला ये ले लिया एक आपने, तो एक पट्टी तो हम कटिंग करेंगे आपकी इस तरीके से, और एक पट्टी आपको कटिंग करनी है। एक पट्टी ये जो कटिंग करेंगे दोस्तों, ये होगी हमारी डोरी पलटने के लिए, ठीक है। और एक पट्टी जो हम कटिंग करेंगे ये होगी हमारी पाइपिंग के लिए। तो मैं दोनों को कटिंग कर लेता हूँ, ये हमारी पाइपिंग के लिए हो गई। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप जो है यहाँ पर जितने भी आपके कपड़े हैं सबको इसी तरीके से दो दो कपड़े कटिंग कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से दोस्तों आप ये बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतने कपड़े कटिंग कर लें, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। ये जो कपड़े हैं इनको आप इस तरीके से देखिए, ऐसे ऐसे आपको रखना है, मिला के बिल्कुल इस तरीके से आप रख लें, ठीक है। बिल्कुल इक्वल आपको ऐसे रखने हैं, एक तरफ से बिल्कुल मिला के रखना है, ठीक है। तो पूरे कपड़े जितने भी हैं इनको सबको इस तरीके से मिला के रख लें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बिल्कुल इक्वल रख लिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला हिस्सा आपको ऐसे कटिंग करना है। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर इंची टेप से ऐसे नाप लो, 4 इंच या 3 इंच जितना आपको दिखाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ टोटल 4 इंच इस तरीके से लेके आपको यहाँ तिरछे में कटिंग करना है, जिससे कि सारी की सारी पट्टी जो है आपकी इक्वल आपकी एक बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए सारी पट्टी इक्वल आपकी एक तरीके से हो गई, ठीक है। अब इसे किस तरीके से जोड़ना हो, किस तरीके से आप इसकी डोरी बनाएंगे, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आप इसे किस तरीके से जो है चलने के बाद आप बना सकते हैं बेहतरीन डोरी। तो ये देखिए आपके इस तरीके से आपके हो गए। तो ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी कलर हैं आपके, आप अपने कंट्रास्ट के हिसाब से इसको जोड़ते रहें। जैसे आपको कंट्रास्ट जिसके आगे पीछे लगाना हो उसे लगा सकते हैं। जैसे कि अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से आपको देखिए इस तरीके से था, तो ये तिरछे में आपको ऐसे रखना है, ठीक है। धागा दोस्तों कोई भी धागा चढ़ा सकते हो आप, क्योंकि इसमें इतने कलर हैं, तो आप कोई भी धागा चढ़ाने के बाद इस पर बारीक सिलाई से आप सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बारीक सिलाई से सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर इसे कटिंग करेंगे हल्का सा, और ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों इसे इतना इतना कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये वाले हिस्से पे ऐसे कैंची लगा देंगे, फिर इसको एक तरफ करने के बाद हल्का नाखून ये लगाएंगे हम। ये देखिए मैंने ये हल्का सा नाखून यहाँ लगा लिया। इसी तरीके से दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अपना दूसरा ले लेना है, या आपको अपने हिसाब से कंट्रास्ट मिलाना है कि कौन सा किस में अच्छा लगेगा किसके बाद, और इसको भी इस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमने बारीक सिलाई से जोड़ दिया, अब इसको भी हम कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद इधर आप इसे भी कटिंग करें, और कटिंग के बाद जैसे ये नाखून लगाएंगे हम, सेम आपको ये नाखून लगा लेना है। ये आपकी जुड़ गई। इसी तरीके से दोस्तों, आप एक एक करके पूरे के पूरे इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डोरी बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 11 के 11 कलर इसे इस तरीके से जोड़ दिए, और आप देखेंगे देखने में इतनी खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि इक्वल थे एक तो ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल ऐसी एक डोरी और बनानी है, तो आपको बिल्कुल वैसे कपड़े लेके ना इक्वल एक बराबर लगाने, जैसे इसके बाद ग्रीन लगाया, ग्रीन के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ब्लू, इसी तरीके से एक बराबर आपको लगाने हैं। फिर क्या करना है, जब भी आप लगा लेंगे तो आप देखिए इसे ऐसे पलटें उल्टी तरफ से, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और जितना आपको चाहिए, ठीक है, यानी कि जितनी आपको डोरी चाहिए होगी उतनी सिलाई आप लगाएंगे। मैं आपको सिलाई दिखा दूंगा, थोड़ी सिलाई और लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सिलाई मेरी आपको क्लियर नज़र आती होगी, इतनी चौड़ी डोरी हम बनाएंगे। तो पूरे में हम इसे इस तरीके से करते हुए दोस्तों सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सिलाई लगा के उतार दी। अब आपको क्या करना है, एक जगह पर आप इसे ऐसे कट करेंगे, और यहाँ पर हल्का सा ऐसे इस तरीके से आपको कट करना है, ठीक है। पूरा चौड़ा नहीं रखना, इस तरीके से करते हुए आप इतना ले आएंगे। अब यहाँ पर आप जहाँ पे जोड़ आएगा आपका, तो नॉर्मल जैसे ये कटिंग कर लें, जोड़ वाली जगह पर आपको इतना कम कर लेना है, ठीक है। फिर आपको ऐसे कटिंग करना है,
जोड़ वाली जगह पे फिल कम कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप पूरी डोरी को जो है कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से कर लिया। अब अपने सुई होगी जो मशीन वाली उसमें चार धागे करके इस तरीके से मजबूती से आप गांठ लगा लें एक, ठीक है, और उसे आप इस तरीके से यहाँ से डालेंगे। अगर आपका यहाँ ज़्यादा पतला है तो आप इसे थोड़ा कटिंग कर लें, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो वहाँ पर जो है दोस्तों आपका पलटने में थोड़ा टाइम लेगा। आप यहाँ पर हल्का सा इसे इस तरीके से करें, फिर यहाँ पर आप इसे सुई को इस तरीके से निकाल लेंगे, यहाँ पर गांठ लग जाएगी। अब यहाँ पर सुई को उल्टी करके आप देखिए इस तरीके से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको करते जाना है और पूरी सुई आपके बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप करते जाएं और दोस्तों सुई को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ही आपका कपड़ा इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो धागा डालते हैं ना इस जगह पर सुई को ऐसे निकाल के ऐसे फंसा दें, ये आपके ऐसे फंस जाएगी, ये हिलेगी नहीं। अब यहाँ पर आपको ऐसे लेके आना है और धागा याद रखें धागा आपको मोटा और ज़्यादा डालना है। ये हमारे आठ तय हो जाएगी धागे की, जिससे क्या होगा खिंचाव पड़ता है ना पूरा का पूरा इस पर, तो ये टूटनी नहीं चाहिए। पता चला आपकी आधी डोरी पलट गई टूट गई तो पूरी डोरी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इसे देखिए इस तरीके से किनारे वाले हिस्से को बहुत आसानी से और बारीकी से निकालेंगे। ये देखिए जब आपका ये थोड़ा खींच जाएगा तो आप इसे इस तरीके से खींचेंगे, ये देखिए थोड़ा खींचने में दिक्कत होगी, उसके बाद इसे इस तरीके से करेंगे। बस एक बार आपका ये चलने लगे हाथ फिर आपकी ये डोरी पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ जहाँ जोड़ है उस जगह पे हल्का हल्का सा आपको थोड़ी थोड़ी सी दोस्तों टाइम लगेगा, क्योंकि जोड़ वाली जगह पे हमें इक्वल चाहिए होता है, तो मार्जिन इसीलिए हम वहाँ पर कम कटिंग करा था। तो चलिए दोस्तों इसे भी हमने पलट लिया। अब इसी तरीके से दोस्तों हम डोरी को पलटेंगे, और किस तरीके से पलटेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, अब इसे पलट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके इस तरीके से ये इस तरीके से खींचने लगेगी, ठीक है। ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचते रहें और इस डोरी को इस तरीके से खींचते रहें, ये देखिए जैसे मैं ये खींच रहा हूँ, ठीक है। खींचते खींचते दोस्तों अब देखिए आपकी डोरी जो है इस तरीके से आ जाएगी। पहले आपका काम होगा डोरी को अच्छी तरह निकाल लें। ये देखिए मैं आपको पास में करके दिखाता हूँ, ये हमारी डोरी बिल्कुल किनारे तक पहुँच चुकी है। ये देखिए डोरी हमारी यहाँ निकल गई। अब ये धागे को आप ऐसे करें और इसको फिर ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, और दोस्तों डोरी को इसी तरह खींचते चले आएंगे और पूरी डोरी को पलट लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके देखिए कितनी आसानी से हमारी डोरी पलट रही है, ठीक है। ज़्यादा बारीक सिलाई ना लगाएं कि आपकी सुई भी उसके अंदर ना घुसे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितनी आपको डोरी चाहिए उस हिसाब से आप इसे सिलाई लगा लें। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों पूरी डोरी को हम पलट लेते हैं, फिर आपको पलटने के बाद ये दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से पलट लिया, आप देखेंगे तो ये सारी की सारी हमारे इस तरीके से डोरी पलट जाती है, ठीक है। आप अगर गैपिंग इसकी कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इतनी इतनी गैपिंग में दिखाऊं, इतनी इतनी गैपिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से आपके, और ये जोड़ है जो आपके जोड़ भी ज़्यादा पता नहीं चलेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपके जोड़ और मजबूत डोरी, ठीक है, ये आपकी इस तरीके से पलट जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका आपका डोरी पलटने का भी हो गया, कि अगर आपको नॉर्मल सेम गले में सेम कपड़े में भी आपको पलटना है तो भी आप पलट सकते हो, अलग अलग में पलटना है तो अलग अलग में भी आप इसे इस तरीके से पलट सकते हो, इससे आप और छोटा कर सकते हो। बस ध्यान रहे जहाँ पर आपका ये मार्जिन आता है उस जगह पर आप थोड़ा मार्जिन को कट कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पर जो आपके ये पलटा जाए तो आप देखिए बिल्कुल इक्वल पलटना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने इस डोरी को पहले जोड़ा था, सेम आप जो है जो आपकी पाइपिंग वाली डोरी के लिए कपड़ा रखा है हमने उसे भी सेम जोड़ेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि पाइपिंग वाली को आप किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे भी हमने बिल्कुल सेम जोड़ लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप सिंगल बूट लगा लें, मैं डबल बूट से अक्सर डोरी बनाता हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग के लिए आप इसे ऐसे घुमाएंगे और ये आपका जो है बूट पर टकरानी चाहिए सुई, इस तरीके से घूम के आपका ये यहाँ से गैपिंग दिख गई आपको। अब यहाँ पर अपनी डोरी वाली जो पाइपिंग है दोस्तों उसे लेंगे और उसको जो है रखेंगे, किस तरीके से रखना है आपको देखिए, ये वाला जो हिस्सा होगा आपको इस वाले हिस्से पे आप इस तरीके से रखें और इतना मोड़ देंगे। ये मोड़ने के बाद आप इस पर सिलाई लगाएं थोड़ी सी, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर फंस जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल है दोस्तों, ये वाला जो मार्जिन आपने यहाँ पर क्रीज बनाई है ये जिस तरफ बनेगी उसी तरफ आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद आप इस पर सिलाई लगाएँ। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद दोस्तों बस इसी तरीके से आपको लगाते जाना है, और ये इस तरीके से आप सिलाई लगाते चले जाएंगे तो ये आपकी जो है डोरी लगाने वाली पाइपिंग बिल्कुल बन जाएगी। ये देखिए आप ये सिंगल बूट की मदद से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम पूरे के पूरे को तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है इस तरीके से सिलाई लग गई, ये हमारी पाइपिंग वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर हम इसे देखिए
हल्का हल्का कटिंग कर लेंगे, जो भी फालतू कपड़ा है उसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से कैंची चलाते हुए जो कपड़ा हमारा फालतू है उसे हम कटिंग कर लें और बिल्कुल इसे इक्वल सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है, ये सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। बस इसी तरीके से दोस्तों फोल्ड करते जाएँ और इस पर सिलाई लगाते चले जाएँ। ये यहाँ पर आपकी जो है पक्की होती चले जाएगा, कपड़ा पक्का होता चले जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से पूरे कपड़े पे दोस्तों सिलाई लगा लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ डोरी और ये पाइपिंग वाली डोरी दोनों की दोनों। तो ये देखिए दोस्तों आपका इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। ये तो हमारी डोरी हो गई जो आप बैग गले में या किसी मतलब बैग गले में बांध सकते हैं। ये आपकी जो है पाइपिंग हो गई, इसे आप अपने गले पे इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये आपकी देखिए आपकी पूरी मल्टी कलर की डोरी, मल्टी कलर की पाइपिंग आपको मैंने बता दी, वो भी बचे हुए कपड़े में से, ठीक है। तो बचे हुए कपड़े में से आप यूज़ करके इस तरीके से मल्टी कलर की दोस्तों आप डोरी बना सकते हो, डोरी वाली पाइपिंग बना सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारी बन के आएगी अगर ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं। और ये फॉर्मूला आप नॉर्मल वाले कपड़े में यानी कि सिंपल एक ही कपड़े में भी यूज़ करके बनाना चाहते हैं डोरी वाली पाइपिंग, वो भी बन जाएगी, डोरी भी बन जाएगी, ठीक है, टुकड़े टुकड़ों के अंदर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेशन देता है आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।